बिहार में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा जो है वह 10,000 से पार हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के सरकारी आवास पर। आप देख सकते हैं यहां पर सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग मंत्री जी से मिलने आते हैं, और सबसे बड़ी बात है यह चुनावी साल है, ऐसे में जनता से मिलना भी बेहद जरूरी है। और इसको लेकर यानी कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री जी ने एक विशेष व्यवस्था की है। जो लोग आ रहे हैं उनका पहले टेम्परेचर नापा जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और उसके बाद जब वह लोग अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि आपके आने का पर्पस क्या है। उसके बाद वह लोग अंदर जाते हैं और अंदर आपको हम जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वह काफ़ी अच्छी तस्वीर है, खासकर कोरोना संक्रमण को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण में सबसे बेहद ज़रूरी है कि आपको एहतियात बरतना, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। यानी बचाव जो है वह सबसे बेहद ज़रूरी। आप देख सकते हैं मंत्री जी ने अपने आगे कई गमलों को लगा रखा है, पूरी हरियाली नज़र आ रही है, और यह कोरोना से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। कारण जब तक आप फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे कोरोना से बचना नामुमकिन है। सबसे पहले हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर ये बताइए क्यों लगा रखा है आपने हरियाली? प्राण रक्षा का दूसरा कोई रास्ता नहीं, संक्रमण का खतरा तो प्रकृति शरणम गच्छामि, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा दायित्व है आम लोगों से मिलना, उनका भी प्राण रक्षा करना आवश्यक, अपना भी प्राण रक्षा आवश्यक। तो ऐसी स्थिति में हमने गमला का ये प्रयोग इसलिए किया कि लोग अनुप्राणित हों, कि प्रकृति के प्रति सम्मान करें। जलवायु परिवर्तन पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच है उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अंगीकार करें। इस कोरोना के संक्रमण काल में एकमात्र रास्ता है प्रकृति शरणम गच्छामि, दूसरा कोई विकल्प नहीं। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें, पटना की बात करें, बिहार की बात करें, तो कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों से अपील क्या करें? एकमात्र अपील है कि आप बहुत ही आवश्यक हो तब घर से निकलें, मास्क का उपयोग करें, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करते हुए प्रकृति का सम्मान करना सीखिए, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। प्राण रक्षा करना है तो प्रकृति का सम्मान करें। यानी अगर बेहद जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकले। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग इनसे मिलने के लिए यानी मंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए हैं सभी ने एक फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया है, सभी अलग अलग एक दूरी सामान्य दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोरोना से अगर आपको बचना है तो एहतियात जो है वह बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।